हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 2 लेसन नंबर 15, अ मेमोरेबल सेरेमनी। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 और इंग्लिश के वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सारे लेसन की वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। वाई डिड शिवाजी हैव हिमसेल्फ क्राउन? शिवाजी टुक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर। तो जो लेसन है ओथ ऑफ स्वराज, उसमें हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के मंदिर में ये प्रतिज्ञा ली थी कि हमें हमारा खुद का स्वराज बनाना चाहिए। ही हैड टू फेस न्यूमरस डिफिकल्टीज एंड कैलेमिटीज इन हीज एफर्ट्स टू विन स्वराज फॉर हिज पीपल। तो ये कोई आसान बात नहीं थी कि अपना खुद का स्वराज बनाना था उनको। तो उन्होंने अपने मावलास को साथ लेकर काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, कैलामिटीज़ को फेस किया, काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए थे अपने स्वराज को बनाने के लिए। बट विथ ग्रेट करेज एंड स्किल शिवाजी ओवरकम देम ऑल। तो जो भी उनको डिफ़िकल्टीज़, कैलामिटीज़ उनके सामने आए, जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आए थे, उनको उन्होंने अच्छे से फेस किया और उसमें उन्होंने क्या किया था, जीत हासिल की थी। स्वराज हैड स्टेप आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड वॉज ग्रोइंग फास्ट। तो यहाँ पे स्वराज जो है, जैसे कि हम लोग जैसे छोटे होते हैं उसके बाद ग्रो होके बड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से ये उन्होंने जो स्वराज बनाने के लिए कोशिश की थी, ये अभी धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। मेन लाइक बाजी प्रभु, मुरार बाजी, तानाजी नर्स इट विद देयर ब्लड। तो देखिए, हमने ऑलरेडी प्रीवियस सारे लेसन्स में देख लिया है कि किस तरीके से बाजी प्रभु, मुरार बाजी, तानाजी मालुसरे, इन लोगों ने अपने बलिदान से ये स्वराज क्या किया है, बनाया है। द न्यू किंगडम वॉज बोथ रिस्पेक्टेड एंड फेयर। इसीलिए इस किंगडम को रिस्पेक्ट किया जाता है कि कई सारे लोगों ने अपनी जान दे दी है इसके, इन्हें बनाने के लिए। विथ अ व्यू टू हैविंग दिस किंगडम रिकग्नाइज बाय ऑल अदर प्रिंसेस इन द लैंड बिग एंड स्मॉल, शिवाजी डिसाइडेड टू हैव हिमसेल्फ क्राउन। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अ किंग वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र हु वुड ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड गिव जस्टिस एंड हैप्पीनेस टू हिज सब्जेक्ट। तो देखिए, राजे महाराजे तो बहुत सारे थे, कई सारे प्रिंसेस थे, लेकिन यहाँ पे शिवाजी महाराज के जैसे राजा कोई ना हुआ था ना होगा, क्योंकि शिवाजी महाराज ने सारे जो रिलीजन्स के लोग थे उनको इक्वली ट्रीट किया था। और उन्हें सिर्फ यही बात करनी थी यहाँ पे कि सब लोगों को जस्टिस मिले, न्याय दे सकूँ मैं और सारी जो मेरी जनता है उन्हें खुश रख सकूँ, यही उनकी सोच थी हमेशा। शिवाजी डिसाइडेड टू हैव हिमसेल्फ क्राउन सो दैट एवरीवन वुड कम टू नो दैट स्वराज हैड बीन फर्मली एस्टैब्लिश। तो यहाँ पे ये जो करोनेशन, जो राज्यभिषेक उन्हें करना था, ये इसके लिए कि सारे लोगों को ये पता चल सके कि हमारा जो स्वराज है ये अभी इस्टेब्लिश हुआ है और डेवलप हो रहा है। ही डिड नॉट टू डू इट फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन और पर्सनल हैप्पीनेस। और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने खुद के लिए नहीं की थी, या फिर पर्सनल हैप्पीनेस, खुद के खुशी के लिए नहीं किया था इन्होंने, अपनी जनता को खुश करने के लिए स्वराज उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ही डिड इट टू गिव द न्यूली फाउंडेड स्वराज अ फर्म फुटिंग। तो जो न्यूली उन्होंने फाउंड किया है स्वराज, उसको और भी उन्हें डेवलप करना था, बढ़ाना था। द कैपिटल ऑफ स्वराज, शिवाजी सिलेक्टेड रायगढ़ एज द कैपिटल ऑफ ईस्ट किंगडम। तो उन्होंने जब अपना स्वराज स्थापन किया तो उसके बाद उन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाई, राजधानी बनाई थी। रायगढ़ वॉज अ स्ट्रॉन्ग हिल फोर्ट फ्रॉम वेयर इट वॉज ईजी टू एडमिनिस्टर द किंगडम एंड कीप अ वॉच ऑन द एनिमी। तो रायगढ़ को ही क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्ट था, हिल के ऊपर था, और यहाँ से एडमिनिस्टर करना काफ़ी ईजी था और जो एनिमीज थे उनके ऊपर वॉच करना भी पॉसिबल था, इसीलिए उन्होंने रायगढ़ को अपना कैपिटल बनाया था। शिवाजी राजे इंस्पेक्टेड हिज ट्रूप्स एट चिपलून, ही विजिटेड प्रतापगढ़ एंड टूक द गॉडेस भवानी दर्शन। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रतापगढ़ पे जाके वहाँ पे जो मंदिर था भवानी माता का, वहाँ पे दर्शन लिया। इन ग्रेटफुल मेमोरी ही प्रेजेंटेड टू द टेम्पल अ गोल्डन कैनोपी फॉर द गॉडेस। तो जैसे हमने पहले जो लेसन हो चुका है वहाँ पे देखा था कि किस तरह से प्रतापगढ़ पे उन्हें खजाना मिला था, जिसके कारण उन्होंने वो खजाना बाकी के जो उनके काम थे वहाँ पे यूटिलाइज किया था, वहाँ पे एक मंदिर भी बनाया था। तो इसका मीनिंग वहाँ पे यही होता है कि मतलब वहाँ पे माता का भी जो भवानी माता का मंदिर है, भवानी माता का आशीर्वाद भी उनके ऊपर था। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे प्रिपरेशन फॉर द करोनेशन। तो करोनेशन के लिए, राज्यभिषेक करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किए गए। देन शिवाजी राजे ऑर्डर अ गोल्डन थ्रोन टू बी मेड एंड हैड इट स्टर्ड विथ प्रीसियस स्टोन। तो उन्होंने करोनेशन के लिए, अपने राज्यभिषेक के लिए एक थ्रोन बनाने के लिए बोला। थ्रोन मतलब जो सिंहासन होता है जिसके ऊपर राजा लोग बैठते हैं, तो इस तरीके का थ्रोन, जो गोल्डन थ्रोन उन्होंने बनाने के लिए बोला, और जिसके ऊपर काफ़ी प्रीसियस स्टोन्स भी लगे होने चाहिए। ई पुट
वाइल रॉयल अम्ब्रेला ओवर द थ्रोन, और थ्रोन बनाने के बाद, सिंहासन बनाने के बाद उसके ऊपर एक अम्ब्रेला भी रहेगा। इन्विटेशन टू द करोनेशन वेयर सेंट आउटी प्रिंसेस एंड किंग्स लर्न ब्राह्मणीज एंड ऑल द सरदार्स अंडर हिज कमांड एंड अदर ऑफिसर्स। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, जैसे कि बाकी के जो राजे थे या फिर राजकुमार थे, ब्राह्मण्स थे, सरदार्स थे और जो भी ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने इनवाइट किया था। गागा भट्ट केम फ्रॉम वाराणसी टू एक्ट एज द चीफ प्रिस्ट एट द सेरेमनी। तो ये जो सेरेमनी होने वाली थी राज्याभिषेक की, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको बुलाया था, जिसमें मेन जो थे गागा भट्ट थे, जो वाराणसी से आने वाले थे। गागा भट्ट ओरिजिनली बिलोंग टू पैठन बट हैड सेटल डाउन इन वाराणसी। गागा भट्ट जो थे ये मेनली पैठन के रहने वाले थे, लेकिन ये वाराणसी में सेटल हुए थे। ही वॉज ए ग्रेट एंड यू नो स्कॉलर रिस्पेक्टेड इन वाराणसी। शिवाजी महाराज मेड डिटेल प्रिपरेशन फॉर द करोनेशन, मेन वेयर सेंट आउट टू ब्रिंग वाटर्स ऑफ द सेवन रिवर्स एंड द सी। तो जब राज्याभिषेक होने वाला था तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजा था कि 7 नदियों का पानी और समुंदर का पानी लाने के लिए। नियरली 50,000 पीपल गैदर्ड एट रायगढ़। तो यहाँ पे देखिए 50,000 मतलब 50,000 लोग वहाँ पे जमा हो चुके थे रायगढ़ के ऊपर, क्योंकि उन्हें अपने राजा का जो करोनेशन होने वाला था ये देखना था। स्मॉल टेंट्स, बिग टेंट्स, स्पेसियस शामियानास टू एकोमोडेट द गेस्ट कुड बी सीन एवरीवेयर। तो देखिए इतने सारे लोग आए थे तो उनके लिए छोटे छोटे जो टेंट्स थे या फिर बड़े टेंट्स, शामियाना, काफ़ी बड़े शामियाना वहाँ पे लगाए गए थे ताकि गेस्ट वहाँ पे रह सके। द करोनेशन सेरेमनी, द करोनेशन डे डॉन। तो देखिए करोनेशन का दिन फिर आ गया। इट वॉज इंडीड द मोस्ट ऑस्पिशियस डे। तो ये काफ़ी अच्छा दिन था क्योंकि यहाँ पे करोनेशन होने वाला था शिवाजी महाराज का, तो सारे लोग खुश थे। म्यूजिशियन बिगेन टू प्ले ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट, सिंगर्स बिगेन टू सिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग फील द एयर। तो देखिए जब भी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है या फिर कोई फंक्शन सेरेमनी होती है इस तरीके की, तो वहाँ पे म्यूजिशियन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सिंगर्स गाना गाते हैं, तो उसी तरीके का वातावरण वहाँ पे बन चुका था। देर वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ जॉय एवरीवेयर। तो सारे लोग खुश थे, सब जगह पे जॉय फील कर रहे थे सब लोग। शिवाजी राजे सेट ऑन ए गोल्डन सीट इन फुल रेगेलिया। तो देखिए यहाँ पे शिवाजी महाराज ने जो थ्रोन बनाया था, सिंहासन बनाया था गोल्डन, वहाँ पे वो बैठ चुके थे। और कैनोपी, कैनोपी का मीनिंग होता है कि छत्र, एंड द फैंस वेयर हेल्ड ओवर हिज हेड। तो जो अम्ब्रेला, गोल्डन अम्ब्रेला उन्होंने बनाई थी वो भी थ्रोन के ऊपर लगाई गई थी, जिसे छत्र कहा जाता है। देर वे प्रीस्ट ईच वन कैरिंग वेसल्स ऑफ घी, दही एंड हनी। वहाँ पे कई सारे पंडित पुजारी थे, उनके पास कई सारे वेसल्स थे जो घी, दही, हनी से भरे हुए थे। गागा भट्ट हिमसेल्फ कैरिड अ गोल्ड वेसल फिल विद दी वाटर्स ऑफ द सेवन रिवर्स। और जो गागा भट्ट थे उनके पास एक जो गोल्ड वेसल था उसमें 7 नदियों का और समुंदर का पानी था। उसमें रिवर्स कौन सी थी फिर? गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ये 7 नदियों का पानी और समुंदर का पानी उनके पास जो वेसल था गोल्डन उसमें था, जो उन्होंने करोनेशन के लिए यहाँ पे लाया था। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको पिक्चर दिखाई देगा द करोनेशन सेरेमनी किस तरीके की हुई थी। देखो तो यहाँ पे सिंहासन पे शिवाजी महाराज बैठे हैं, जीजा माता दिखाई दे रही है, वो सारे लोग यहाँ पे दरबार में यहाँ पे प्रेजेंट है। कावेरी एंड ऑफ द सी, गागा भट्ट हेल्ड द वेसल ओवर शिवाजी हेड एंड स्टार्टेड रेसिटिंग द करोनेशन मंत्र। तो देखिए यहाँ पे गागा भट्ट ने क्या किया कि वेसल लेके आए, जो 7 नदियों का पानी था उनके ऊपर डाल के राज्याभिषेक करना था, और फिर करोनेशन के कुछ मंत्र होते थे उनको उन्होंने जप करना स्टार्ट किया। फ्रॉम 100 टाइनी होल्स इन द वेसल वाटर स्टार्टेड ड्रिपिंग डाउन ऑन शिवाजीज हेड। तो वेसल्स के थ्रू पानी फिर शिवाजी महाराज के हेड के ऊपर, उनके सर के ऊपर गिरने लगा, क्योंकि उनका राज्याभिषेक हो रहा था। आफ्टर एबलेशन बाय द सैक्रेड वाटर शिवाजी महाराज गॉट अप एंड बो बिफोर जीजा माता एंड टच हर फिट। और राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने जीजा माता के पैरों को छुआ और आशीर्वाद लिया। जीजा माता हेल्ड हिम इन अ क्लोज एम्ब्रास, हर आईज वेयर फील्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय। तो देखिए जीजा माता ने क्या किया, उनको अपने पास लिया और उनके आँखों में, जीजा माता के आँखों में आंसू थे, लेकिन किसके? खुशी के आंसू थे। हर थर्स्टी ईयर्स एफर्ट्स हैड एट लास्ट बॉर्न फ्रूट। तो देखिए इतने सालों से उन्होंने जो एफर्ट्स लिए थे उनका फल आखिर में उन्हें मिला था, उनका स्वराज खुद का एस्टेब्लिश हो रहा था। द ड्रीम शी हैड नर्स इवन बिफोर शिवाजीज बर्थ हैड एट लास्ट कम ट्रू। तो शिवाजी महाराज के बर्थ से पहले से ही उन्होंने ये सपना देखा था कि ये स्वराज स्थापन हो सके, तो ये एक्चुअल में अभी उनका सपना सच हुआ था। द टीयर्स इन हर आइज वेयर टीयर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट्स।
तो उनके आँखों में जो आंसू थे ये आंसू खुशी के थे, और जो फुलफिलमेंट उन्हें हुआ था कि आखिर में उनका सपना सच हो रहा है कि अपने खुद अपने सारे लोगों का स्वराज स्थापन हो रहा है। शिवाजी महाराज वॉज ऑल्सो डीपली मूव, ग्लोरी बी टू बोथ ऑफ देम। तो ये उन दोनों का सपना था जो अभी यहाँ पे सच होने वाला था कि अपने लोगों के लिए उन्होंने अपना स्वराज स्थापन किया था। आफ्टर मीटिंग माँ साहेब शिवाजी महाराज सेट ऑन द थ्रोन, महारानी सोयराबाई एंड द क्राउन प्रिंस संभाजी राजे सैट नेक्स्ट टू हिम। तो देखिए यहाँ पे कोरोनेशन के लिए शिवाजी महाराज बैठे थे सिंहासन के ऊपर, उनके साथ माँ साहेब थी, उनकी महारानी सोयराबाई और उनके जो बेटे थे संभाजी राजे वो भी उनके साथ बैठे थे वहाँ पे। ही इज एट मिनिस्टर्स स्टूड ऑन आइदर साइड, और उनके एक साइड में जो उनके अष्ट प्रधान जिसे कहा जाता था, एट मिनिस्टर जो थे उनके, वो एक साइड में खड़े थे। गागावट्ट हेल्ड दी कैनोपी लाइन विद गोल्ड एंड पियर्स टसल्स ओवर हिज हेड एंड सेड, विक्ट्री बीट शिवाजी, विक्ट्री बी टू शिवा छत्रपति नाउ क्राउन किंग द ऑर्नामेंट ऑफ द रेस ऑफ वॉरियर्स। तो यहाँ पे उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि अभी शिवाजी महाराज राजे बन चुके हैं। एवरी वन प्रेजेंट फॉलो सूट एंड इन वन वॉइस विश विक्ट्री टू शिवाजी महाराज, और यहाँ पे हर एक इंसान ने वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे शिवाजी महाराज को विश किया, उन्हें यहाँ पे शुभेच्छा दी। गन्स वेर फायर फ्रॉम फोर्ट आफ्टर फोर्ट, तो देखिए हर एक फोर्ट पे वहाँ पे गन्स की फायरिंग हुई थी। द होल ऑफ महाराष्ट्र एक विद वन वॉइस शिवाजी महाराज की जय, और यहाँ पे महाराष्ट्र में हर जगह पे यही क्या दिख रहे थे, नारे लग रहे थे कि शिवाजी महाराज की जय। शिवाजीज कोरोनेशन टुक प्लेस इन 1674, तो ये कोरोनेशन कब हुआ था, 1674 में हुआ था। फ्रॉम दैट ईयर शिवाजी महाराज स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर द कोरोनेशन कैलेंडर, तो उनका राज्याभिषेक होने के बाद एक न्यू कैलेंडर हुआ, स्टार्ट किया गया कोरोनेशन कैलेंडर। ही बिकेम अ ग्रेट किंग लाइक दोज इन हुज नेम पीपल स्टार्ट अ न्यू एरा, तो जब कोई राजा बनता था, कोई ग्रेट किंग मतलब अच्छा राजा अगर बनता था, तो लोग उनके नाम के साथ न्यू एरा स्टार्ट करते थे। ही स्ट्रक हिज ओन कॉइन्स, तो उनके खुद के कॉइन्स भी फिर बनने लगे। सम फॉरेन एनॉयज वेयर प्रेजेंट एट द कोरोनेशन, द इंग्लिश हैड सेंड देयर एनॉय ऑक्सीडेंट विद वैल्यूबल प्रेजेंट्स, तो काफ़ी सारे जो राजे महाराजा आए थे बाहर के, फॉरेनर जो आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे उनके लिए वैल्यूबल प्रेजेंट्स दिए। सब्जेक्ट फ्रॉम फार ऑफ एरियाज एंड प्लेसेस हैड ऑल्सो कम टू सी दी सेरेमनी, तो जो जनता थी, जो लोग थे, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे सेरेमनी देखने आए थे। द होल वर्ल्ड केम टू नो ऑफ द बिग इवेंट, और सारे दुनिया में उनके ये इवेंट के बारे में, कोरोनेशन के बारे में पता चला था। शिवाजी फेम स्प्रेड एवरीवेयर, और उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो गाथा थी, ये सारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।